हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं पराठा, वो भी एक अलग तरह का पराठा जिसको हम ब्रेड से बनाएंगे और हम उसमें स्टफिंग करेंगे आलू की। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड से पराठा बनाना। उसके लिए लिए हैं हमने बॉयल आलू, इनको अच्छे से मैश कर लिया है हमने। और ये हमें ध्यान रखना है कि आलू में कोई गांठ ना हो, तो इसलिए हमें जब ये मीडियम गर्म हो तभी हम इसको अच्छे से मैश करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून ही अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। हमने एक यहाँ पे मीडियम प्याज ले लिया है जिसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ध्यान रखना है जो प्याज है वो मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग से बाहर आ जाएगा। आप इसमें वेजिटेबल्स अपने पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने जो आलू का मिक्सचर है वो रेडी कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम पैटीज रेडी करेंगे इसकी। इसके लिए हमने अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ये देखिए जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसके लिए पैटी रेडी करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे आलू की पैटी रेडी कर लेंगे। ऐसे हम सारी पैटीज रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी पैटीज रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड का पराठा बनाना। इसके लिए हमने व्हाइट ब्रेड लिया है यहाँ पर और इसको हम एक कटोरी की हेल्प से सर्कल शेप में काट लेंगे। ये देखिए हमने इसको एक सर्कल शेप में काट लिया है। देखिए जो इसके किनारे बची हैं आप इनके ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं इसको। बाकी ब्रेड्स के भी हम सर्कल शेप काट लेंगे। देखिए हमने ब्रेड के सर्कल शेप में काट लिया है। अब इसको हमें हल्के हाथों से बेलना है। ध्यान रखना है कि हमें इसको ज्यादा जोर से नहीं, सिर्फ हल्के हाथों से ही हमें इसको बेलना है। देखिए हमने इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें पैटी रखेंगे। जो हमने पैटी बनाई थी इसको ध्यान रखना है हमें पतला ही रखना है, थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं। और आप स्टफिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम भी रख सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद हो। और इसको हम अच्छे से इसमें प्रेस कर देंगे। और जो उसके किनारे हैं हम इनको अच्छे से यहाँ पर चिपकाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पानी लिया है और उसको फिंगर्स की जो टेप है उसकी हेल्प से पानी लगा लेंगे हल्का, ताकि जब हम इस पर दूसरा ब्रेड का पीस रखें तो अच्छे से इस पर चिपक जाए। देखिए दूसरा इस पे पीस रख देंगे और इसको हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेस करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने फिंगर्स को हल्का सा पानी में गीला करके और इसको धीरे धीरे प्रेस करते जाएं। बस ध्यान रखना है हमें इसकी जो किनारी है वो खुली ना हो, वो अच्छे से बंद हो जाए। बस हमें इसके किनारियों को अच्छे से प्रेस करते हुए बंद करना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो
बाहर ना आ जाए। और जहाँ आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा यूज़ करना है, हमें थोड़ी सी हमारी जो ब्रेड की किनारी है वो खुली रह गई है, तो आप हल्का सा पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। ये देखिए, हमने जो ब्रेड का पराठा बनाना है उसकी स्टफिंग हमने ब्रेड में भर के रेडी कर ली है। अब हम इसको हल्के हाथों से ही बेलेंगे ताकि जो बीच में हमने आलू की पैटी रखी है वो सब साइड्स पर बिल्कुल इक्वली आ जाए। आप इसे हल्के हाथों से प्रेस भी कर सकते हैं, किनारों में जो है वो आलू अच्छे से फैल जाए। देखिए हल्के हाथों से हमने हथेलियों से भी इसको प्रेस कर लिया है। देखिए अब बिल्कुल हमारा जो पराठा है वो स्टफिंग करके रेडी है। हमने ऐसे ही सारे ब्रेड के पराठे स्टफ कर लिए हैं यहाँ पर। अब हम इनको सेकेंगे। इसके लिए हमने गैस पर एक तवा रख लिया है और उसको गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। और मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ बटर से, आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर जो हमने ब्रेड के पराठे रेडी किए हैं वो रख देंगे हम इसको, और इसको हमें क्रिस्पी होने तक सेकना है ऐसे ही। ये जब तक ये क्रिस्पी होते हैं तब तक हमें इन्हें सेकना है। अब हम इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड पे जो इसके ऊपर साइड है हम इस पर लगा लेंगे थोड़ा सा बटर। देखिए दोनों ब्रेड्स पे हमने अच्छे से बटर लगा लिया है और हमें इस पर देखना है कि क्रिस्पी होने तक सेकना है इनको। और जहाँ पे हमने बटर लगाया है ऊपर की साइड पे, हम यहाँ पर देने वाले हैं एक फ्लेवर, तो इस पर डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ओरिगैनो, और अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं सेसमी सीड्स। यहाँ पर हमने दोनों सेसमी सीड्स को मिक्स कर लिया है, ब्लैक और वाइट। ये यहाँ पर हम दोनों ब्रेड पराठा के ऊपर लगा देंगे इसको अच्छे से। और इसको हमें हल्के से प्रेस करना है ताकि जो हमने इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स और सेसमी सीड्स लगाए हैं, तिल लगाए हैं, वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब देखिए नीचे की तरफ से जो है वो क्रिस्पी हो चुका है पराठा ब्रेड का, और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसे क्रिस्पी होने तक ही सेकना है। ये देख सकते हैं आप कि दोनों साइड से जो ब्रेड पराठा है वो क्रिस्पी होने तक हमने सेक लिया है और हमारे अब ब्रेड पराठा बनकर रेडी हैं। तो है ना बिल्कुल अलग तरह का पराठा। आप भी इसको घर में बनाइए और बनाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको ये। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।